अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का टॉपिक है हमारा एंजाइम्स, जो कि बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि हम एंजाइम्स के होल टॉपिक को कवर कर लें, उसकी डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसका मैकेनिज्म, उसकी क्लासिफिकेशन, उसके फंक्शंस, मतलब इन डिटेल हम जो है वो एंजाइम्स को आज कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एंजाइम्स। तो देख लेते हैं एंजाइम्स की डेफिनेशन। तो एन एंजाइम इज़ अ प्रोटीन और आरएनए प्रोड्यूस बाय लिविंग सेल विच इज़ हाईली स्पेसिफिक एंड हाईली कैटालिटिक टू इट्स सबस्ट्रेट। एंजाइम्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। यानी कि एंजाइम बेसिकली एक प्रोटीन है और एक आरएनए है जो प्रोड्यूस होता है लिविंग सेल से, और ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं और हाईली कैटालिटिक होते हैं व्हेन इट कम्स टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में एंजाइम्स को भी शो किया हुआ है, सबस्ट्रेट को भी शो किया हुआ है, एक्टिव साइट को भी शो किया हुआ है। यानी कि वो बता रहे हैं कि एंजाइम्स जो है वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं व्हेन इट्स कम टू सबस्ट्रेट। यानी कि सबस्ट्रेट के मामले में ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं और ये एक टाइप है मैक्रोमोलिक्यूलर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर से भी आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक्टिव साइट यहाँ पे सबस्ट्रेट और एंजाइम्स के बीच में है, जहाँ पे सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ अटैच हो रहा है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स में देखते हैं तो हमारे पास दो तरीके से आ जाती हैं क्लासिफिकेशन। एक तो हमारे पास आ जाती है अपॉन रिएक्शन टाइप, यानी कि रिएक्शन के लिहाज से जो हमारे पास क्लासिफाइड एंजाइम्स हैं, और एक हमारे पास आ जाती है अपॉन सबस्ट्रेट, यानी कि सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम अपॉन रिएक्शन टाइप देख लेते हैं। उसकी जो है वो सिक्स टाइप्स हमारे पास यहाँ पे शो हो रही हैं: ऑक्सीडियोरिडक्टेसिस, ट्रांसफेरेसिस, हाइड्रोलेसिस, लेसिस, आइसोमेरेसिस एंड लाइगेसिस, ठीक है, ये सिक्स हो गई। उसके बाद अपॉन सबस्ट्रेट देखते हैं तो यहाँ पे प्रोटीएसिस, लाइपोसिस, कार्बोहाइड्रेसिस, न्यूक्लियसिस। तो ये सब हमारे पास जो है ये क्लासिफिकेशन है एंजाइम्स की ऑन बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप एंड ऑन बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑन बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप उससे स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है वो आ रही है ऑक्साइडोरिडक्टेसिस, तो उसको पढ़ लेते हैं। ऑक्साइडोरिडक्टेसिस में देखते हैं द एंजाइम कैटलाइज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन वेयर द इलेक्ट्रॉन टेंड टू ट्रैवल फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल टू द अदर। दीज कैटलाइज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें एग्जांपल दी हुई है पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेस कैटलाइजिंग एंड ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट टू एसिटिल कोएंजाइम ए। यानी कि बेसिकली ऑक्साइडो रिडक्टेसिस जो आपके पास रिएक्शन टाइप है एंजाइम की, ये बेसिकली कहाँ पे वर्क करते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की रिएक्शंस में वर्क करते हैं एज एंजाइम्स। और इसमें एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास कैटलाइजिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट टू एसिटिल कोएंजाइम्स, यानी कि हमारे पास जो है वो केल्विन साइकिल एंड लाइट रिएक्शन में, मतलब जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस होते हैं ना, वहाँ पे ये एंजाइम जो है वो आपको। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ट्रांसफेरेसिस क्या है। द ट्रांसफेरेसिस एंजाइम्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप अमंग एक्सेप्टर एंड डोनर मॉलिक्यूल। दीज कैटलाइज ट्रांसफरिंग ऑफ द केमिकल ग्रुप फ्रॉम वन अनदर कंपाउंड। यानी कि ये जो है वो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में एक्सेप्टर एंड डोनर के केस में। इसकी एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं तो मतलब अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, यानी कि अमाइनो ग्रुप में भी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो होती है फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर, उसमें भी आपको ये जो एंजाइम है ट्रांसफरेंस आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट एंजाइम है हमारे पास हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स विच कैटलाइज द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन बाय एडिंग वाटर टू क्लीन द बॉन्ड एंड हाइड्रोलाइजेट। यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आ जाते हैं विच कैटलाइज द हाइड्रोलाइज रिएक्शन, क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं टू क्लीव द बॉन्ड एंड हाइड्रोलाइज दे कैटलाइज द हाइड्रोलाइज ऑफ बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल द एंजाइम पेप्साइन, यानी कि पेप्सिन का जो हाइड्रोलाइसिस पेप्टाइड बॉन्ड्स होता है इन प्रोटीन में, उसमें आपको ये एंजाइम्स नज़र आते होंगे हाइड्रोलाइसिस। और अगर हम लेसिस की बात करें तो एड एसिड्स वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया क्रॉस डबल बॉन्ड और एलिमिनेट दीज टू क्रिएट डबल बॉन्ड। दीज कैटलाइज द ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड्स विदाउट कैटलाइजेस। यानी कि लियासिस जो है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया एंड एसिड्स की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे ब्रेकेज की बात हो रही है, ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड्स के लिए यूज़ होता है लियासिस नाम इसका।
तो एन एंजाइम एंड ग्लाइकोलोसिस कैटेलाइज द स्पिटिंग ऑफ फ्रक्टोज, मतलब कि ये चेंज करता है विदाउट कैटेलाइजिस, और ये ब्रेकेज ऑफ बोन जो है वो आपके पास हो जाता है शो इस एंजाइम्स के ज़रिए। उसके बाद हम नेक्स्ट में देख लेते हैं आइसोमेरेसिस। आइसोमेरेसिस जो होते हैं वो एंजाइम होते हैं जो कैटेलाइज करते हैं स्ट्रक्चरल शेप्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, थस कॉजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी कि ये जो है वो स्ट्रक्चरल शिफ्ट होती है यहाँ पे, तो जिससे क्या होता है कि शेप चेंज हो जाती है। दे कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ एन आइसोमर ऑफ अ कंपाउंड। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, फॉस्फोग्लाइकोमोक्टेज कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 1-फॉस्फेट टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। यानी कि इसमें बस जो स्ट्रक्चरल जो हमारे पास फार्मूलाज होते हैं उनको ये थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, यानी कि उनकी पोजिशन चेंज होती है, जिससे शेप जो है वो शेप में डिफरेंस आ जाता है, और जिससे नाम वगैरह भी चेंज हो जाता है। जैसे ग्लूकोज 1-फॉस्फेट क्या हुआ, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे लिखा है फॉस्फेट ग्रुप इट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर पोजीशन इन द सेम कंपाउंड, यानी कि सेम कंपाउंड पे जो है वो पोजीशन चेंज होती है और नाम चेंज हो जाता है। तो इसमें हम एंजाइम जो यूज़ होता है ज़्यादातर वो होता है आइसोमेरेसिस। अब हम आ जाते हैं लाइगेसिस पे। लाइगेसिस एंजाइम्स आर नोन टू चार्ज द कैटेलाइज ऑफ अ लिगेशन प्रोसेस, मतलब कि ये जो है लाइगेसिस एंजाइम ज़्यादातर यूज़ होते हैं टू चार्ज द कैटलाइज ऑफ लिगेशन प्रोसेस के लिए। लाइगेसिस कैटलाइज द एसोसिएशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स के एसोसिएशन के लिए भी यूज़ होते हैं कैटलाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या आ जाती है, डीएनए लाइगेस कैटलाइज द जॉइनिंग ऑफ टू फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। यानी कि डीएनए लाइगेस जो होते हैं वो क्या कैटलाइज करते हैं, जॉइनिंग ऑफ टू फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए बाय फॉर्मिंग अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यानी कि एक बॉन्ड जो है वो क्रिएट होता है, उससे क्या होता है कि टू फ्रेगमेंट जो है वो ज्वाइन होते हैं डीएनए के, टू कैटलाइज डीएनए लाइगेस। तो अब हम जो आ जाते हैं अपॉन सबस्ट्रेट पे, क्योंकि हमने रिएक्शन टाइप के जो क्लासिफिकेशन थी उनको जो है वो क्लासिफाई कर दी है। अब हम अपॉन सबस्ट्रेट पे देखते हैं तो प्रोटीएसिस एंड लाइपेसिस आ रहे हैं फर्स्ट पे हमारे पास। प्रोटीएसिस में क्या होते हैं, दीज एंजाइम्स एक्ट अपॉन प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन्स पे एक्ट करते हैं, तभी हम इनको प्रोटीएसिस कहते हैं। जिस तरह के ट्राइप्सिन एंड पेप्सिन जो है वो बोथ डाइजेस्ट लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स इनटू स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स। फिर अमाइनो पेप्टाइड्स आ जाते हैं, कार्बोक्सी पेप्टाइड्स आ जाते हैं, ये जो है डाइजेस्ट करते हैं पेप्टोन्स इनटू डाइपेप्टाइड्स। फिर एरेप्सिन जो आ जाता है वो क्या करता है, डाइपेप्टाइड्स को इनटू अमाइनो एसिड्स में डाइजेस्ट करते हैं, तो इसलिए इसको प्रोटीएसिस कहते हैं। और लाइपेसिस को देखते हैं तो दीज एंजाइम्स हाइड्रोलाइज लिपिड्स इनटू फैटी एसिड, यानी कि ये जो है वो एंजाइम्स को हाइड्रोलाइज करते हैं लिपिड्स में इनटू फैटी एसिड्स। एंड ग्लाइसरोल्स एग्जांपल्स आर पैनक्रियाटिक लाइपेसिस, मतलब पैनक्रियाटिक लाइपेसिस में भी यही होता है कि लिपिड जो है वो फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल्स में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो उसको हम लाइपेसिस एंजाइम्स के तौर पे लेते हैं। के बाद हमारे पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेसिस एंड न्यूक्लियसिस। कार्बोहाइड्रेसिस जो होते हैं दीज एंजाइम्स कॉज ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के लिए ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं, जिसमें एमएलएज, सेलुलेज, मल्टेज, डीएसटेज, सक्रेज, लैक्टेज, ये सब जो है वो आ जाते हैं, क्योंकि ये जो है एंजाइम्स ब्रेकडाउन के लिए यूज़ होते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेसिस। उसके बाद अगर हम न्यूक्लियसिस को देखते हैं तो दीज आर इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, इसका न्यूक्लियसिस ही पता चल रहा है कि डीएनए एंड आरएनए का जिक्र होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे एग्जांपल्स क्या हैं, आरएनएसिस, डीएनएसिस, एटीपेसिस, यानी कि ये तीन चीज़ें हैं यहाँ पे। हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन, तो हमने देख ली क्या क्या होती है अपॉन रिएक्शन टाइप अपॉन सबस्ट्रेट। अब देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम्स, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे पास एंजाइम्स को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास टेम्परेचर एंड पीएच आ जाता है। एंजाइम्स रिक्वायर एन ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच फॉर द रिएक्शन। द टेम्परेचर और पीएच एट विच अ कंपाउंड शोज इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच। एज मेंशन अर्लियर, एंजाइम्स आर प्रोटीन कंपाउंड, अ टेम्परेचर और पीएच मोर देन ऑप्टिमम मे अल्टर द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम्स। जनरली एन ऑप्टिमम पीएच फॉर एंजाइम इज कंसीडर्ड टू बी रेंजिंग बिटवीन 5 and 7। इट मीन्स इसका सिंपली ये मतलब है कि एंजाइम्स को जो है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर जो है वो बेसिकली एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, अगर हम इनको ज़्यादा मतलब अगर इनकी ऑप्टिमम रेंज से ज़्यादा चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो वो डीनेचर हो सकता है, और अगर कम देंगे तो भी वो नहीं होगा। तो इसीलिए एंजाइम्स के लिए बहुत ज़रूरी है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज को रखना और एक ऑप्टिमम पीएच को रखना,
तो बेसिकली जो है वो अगर हम पीएच की बात करते हैं तो वो 5 to 7 होती है, और अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये हमारे पास होता है 32 डिग्री एंड 33 डिग्री, इस तरह से होता है। यानी कि ऑप्टिमम चीज़ इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो जाएँ या कम हो जाएँ उससे तो डिनेचर भी हो सकते हैं। तो मैंने ये ग्राफ शेयर किया है, इस ग्राफ से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, कि टेम्परेचर जो है वो 35 to 40 की रेंज में होना चाहिए और पीएच जो है वो 5 to 7। यानी कि बेसिकली ये जनरली बात हो रही है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप मतलब पीएच किसका यूज़ कर रहे हैं। पेप्सिन, अगर पेप्सिन है तो उसका स्पेसिफिक पीएच है वो यूज़ करना है। अब हम आ जाते हैं दूसरा फैक्टर जो हमारे पास आता है, वो है एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन क्या है और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, क्योंकि ये भी बहुत इफ़ेक्ट करता है हमारे पास एंजाइम एक्शन को। तो इस ग्राफ में मैंने शो किया है कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से होती है और एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से होती है, तो इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो थोड़ी सी बेंड हुई हुई है और एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बिल्कुल सीधी हुई हुई है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको याद करना है। उसके बाद हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। बेसिकली जो हमारे पास बेसिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की, इज़ टू कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन। और ये जब होता है कि जब हमारे पास सबस्ट्रेट जो है वो आता है टू बाइंड विद एंजाइम, और ये होता है एक्टिव साइट पे। एक्टिव साइट वो होती है जहाँ से सबस्ट्रेट और एंजाइम जो है वो आके एक दूसरे से बाइंड होते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं, 1 जो है वो हमारे पास मेंशन हुआ है सबस्ट्रेट, और 2 हमारे पास एक्टिव साइट बताई हुई है, और 3 जो है वो एंजाइम्स है, और 4 से जो है मिलके क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यानी कि इस तरह से जो है वो हमारे पास मैकेनिज्म होता है एंजाइम एक्शन का। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे एंजाइम के, जो कि है फंक्शंस। इट एंजाइम्स हेल्प्स इन सिग्नल ट्रांसडक्शन। द मोस्ट कॉमन एंजाइम यूज्ड इन द प्रोसेस इंक्लूड प्रोटीन काइनेज दैट कैटलाइज द फॉस्फोरिलेशन ऑफ प्रोटीन। अब ब्रेक डाउन लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल दैट कैन बी इजिली अब्सॉर्ब बाय द बॉडी। द हेल्प इन जनरेटिंग एनर्जी इन द बॉडी। एटीपी सिंथेसाइज इज द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन द सेंसेस ऑफ एनर्जी। एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आयंस across the plasma membrane. Enzymes perform a number of biochemical reactions including oxidation reduction, hydrolysis, etc. to eliminate the non-nutritive substance from the body. They function to recognize the internal structure of the cell to regulate cellular activities. यानी कि enzymes के बहुत से functions हैं, क्योंकि ये हर तरह से हमारी body में काम कर रहे हैं। क्योंकि देखें classification of reaction type भी हमने देखा कि उसमें classification क्या क्या थी और किस तरह से एंजाइम्स काम कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि एज अ सबस्ट्रेट जब डिपेंड्स होते हैं सबस्ट्रेट पे तब किस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो एंजाइम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, जो कि बहुत हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को। तो ये फंक्शंस तो आपके बहुत कम लिखे हुए हैं, वैसे और भी बहुत हैं, तो आप अगर इनमें से 5 भी याद कर ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमारा जो है वो टॉपिक ख़त्म होता है। मैंने बेसिकली जो है वो एंजाइम्स के ज़्यादातर चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली हैं, मतलब ज़्यादातर क्या कंप्लीट ही हमने एंजाइम्स को जो है वो डिस्कस कर दिया इस वीडियो में। क्योंकि फंक्शंस देख लें, मैकेनिज्म देख लें, क्लासिफिकेशन देख लें, स्ट्रक्चर देख लें, डेफिनेशन देख लें, एवरी थिंग माशाल्लाह आज हो गई है। लेकिन अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी मसला है, तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जवाब दे सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।